व्हाट्सअप पब्लिक, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नो मोर ज़्यादा जाने। आज हम बात करने वाले हैं PUBG मोबाइल कोरियन वर्जन के सेंसिटिविटी के बारे में। आप सभी को पता ही होगा एक अच्छे गेम प्ले के लिए एक अच्छी सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे सेंसिटिविटी के साथ आप एक अच्छी डिवाइस होने चाहिए, डिवाइस चलिए ठीक है जिसमें 3 से 4 GB तक रैम हो चल जाता है। पर अगर आपकी सेटिंग सेंसिटिविटी ठीक ना हो, कैमरा सेंसिटिविटी ADS या अगर आप जायरो खेलते तो जायरो ठीक ना हो तो एक अच्छा गेम प्ले नहीं कर सकते। जैसे ही आप एक बोट को ही मारने जाएंगे वो बोट भी आपको मार के चला जाएगा क्योंकि आपकी एमिंग और सेंसिटिविटी बहुत ही ख़राब होगी। इसके लिए आज हम आपको हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि आज देखिए रेड डॉट का स्प्रे आप देख सकते हैं। जब शुरू में मैंने पबजी खेलना स्टार्ट किया था तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे सेंसिटिविटी के बारे में बताओ, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी सेंसिटिविटी मुझे नहीं बताया नहीं उन्होंने, तो मैंने YouTube पे सर्च किया क्योंकि वो सेंसिटिविटी काम नहीं किया। जैसे अब फिर मैं वो गेम खेलता था, अब जैसे ही ग्लोबल वर्जन इंडिया में बैन हो गया है तो आप देख सकते हैं कि हमें कोरियन वर्जन खेलना पड़ा। कोरियन वर्जन खेलने के लिए हम अगर आप खेलेंगे तो आप देखेंगे पहली बार खेलेंगे तो आपको अजीब लगे, बहुत ही अजीब लगे, ऐसा लगा कि जैसे सर घूम रहा है। मैंने पहली बार खेला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने आधा घंटा भी नहीं खेला था, मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने अपनी पुरानी सेंसिटिविटी इसमें डाली, ग्लोबल सेंसिटिविटी वाली, बिल्कुल ही काम नहीं करती, और यहाँ तक कि मैंने गेम खेलना छोड़ दिया था तो मुझे बिल्कुल ही नहीं मालूम था कि सेंसिटिविटी कैसे हो गया। तो मैंने कैसे भी करके ट्रेनिंग में आके अपनी सेंसिटिविटी देखी, कैसे जानी कि क्या कैसे होता है, और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने 2x 3x 4x रेड डॉट इन सभी की सेंसिटिविटी चेक की, धीरे धीरे सेंसिटिविटी ठीक हो गई। पर जब मैं शुरू में खेलना स्टार्ट किया कोरियन वर्जन तो मुझे अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि इसमें हर चीज़ अलग है और बंदे की जगह बोट आते थे शुरू में, तो मैं तो बोट से तक मर गया था इस कोरियन वर्जन में, आप मानेंगे नहीं। मैं बोट से मरा तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो मुझे लगा कि मेरी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, गेम बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था, डिवाइस ठीक ठाक है पर उसका कैमरा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था। तो मैंने अपनी सेंसिटिविटी जानी और उसे ठीक करा और चाहा कि आप शेयर करना चाहूँ तो आप मेरा ये सेंसिटिविटी देख सकते हैं। आपको मैं अपना सेंसिटिविटी बताऊँगा, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा और वो ये है कि आपको मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ, और आज वैसे भी बताऊँगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी के लिए, आप सभी की जानकारी के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मेरे को समझ नहीं आए, मैंने कोशिश की फिर भी मेरे को अजीब लगा। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, किसी का 100, किसी का 150, 300, ये पर ज़्यादातर लोगों का सेंसिटिविटी एक सेम ही होता है बहुत सारे डिवाइस में। लोग खाली आपको झूठ बोलते हैं, वो प्रो प्लेयर बनने के चक्कर में प्रो या फिर बोलते हैं प्रो, अपने आप को प्रो बनते हैं। आप मेरी सेंसिटिविटी देख सकते हैं, वो प्रो बनने के चक्कर में बहुत कुछ बोल जाते हैं। जैसे कि मैं जायरो प्लेयर हूँ तो मैं हमेशा जायरो ऑन ही रख के खोलता, आप चाहे तो जायरो क्लोज करते हैं। स्कोप ऑन का मतलब होता है जब आप स्कोप खोलेंगे तभी जायरो काम करेगा, वरना नाम नहीं करेगा। आप हम मेरा देख सकते हैं, सेंसिटिविटी देख सकते हैं कैरेक्टर का, उसको मैंने 80 या 90 कर रखा है। आप कैमरा को पैरा शूटिंग जब लैंडिंग कूदते हैं तो उसका 120 कर रखा है, कैरेक्टर का मैंने 84 85, आप 90 तक कर सकते हैं। स्कोप का आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, 2x, इन सभी का। और ये मेरा ADS है, ADS मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रखा है, वैसे चाहो तो मैं इसको 0 भी कर सकता था क्योंकि ADS का अगर मैं जायरो खेलता तो कोई काम नहीं है। और ये है मेरा जायरो सेंसिटिविटी, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में अपनी सेंसिटिविटी चेक कर दे। बहुत सारे मोबाइलों में यही काम करता है और लोग खाली आपको बहकाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि ये काम नहीं करता है, मेरा फ़ोन अच्छा है तुम्हारा ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। सेंसिटिविटी सब में एक होती है, लगभग ज़्यादातर सेम ही होती है। आई होप आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।